नमस्कार दोस्तों, पवन मोबाइल केयर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार और स्वागत है। और आज हम टेक्नोलॉजी के सीरीज में नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे वोल्टास के डी फ्रीजर के बारे में, जो कमर्शियल चेस्ट फ्रीजर या डी फ्रीजर के नाम से लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने रखा हुआ है, व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में आया हुआ है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें डुअल डोर का ऑप्शन है, जो कि आप की से लॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ की भी आया हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है 500 लीटर्स की है, 500 लीटर की है, जिसमें आप काफी ढेर सारा मटेरियल रख सकते हैं। और इसका डायमेंशन, अगर डायमेंशन की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, तो ये 5.5 फीट का इसका वो है लंबाई है, और लगभग 2.5 फीट की ऊंचाई है, और 2.25 फीट की, 2.25 फीट की चौड़ाई है। तो आप साइड से, जैसा कि देख रहे हैं, साइड से काफी खूबसूरत है। और ये इसमें साइड में ये ग्रिल लगा हुआ है, जिससे इसकी गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, जो कि कंप्रेसर को ज्यादा ओवरहीट होने नहीं देता। और यहाँ पर पावर कनेक्शन की अगर बात करते हैं, तो इसके साथ एक अच्छे क्वालिटी का पावर कॉर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ग्रिल लगा हुआ है एग्जास्ट के लिए। और ये पावर कॉर्ड के जस्ट ऊपर एक डायग्राम लगा हुआ है, जिसमें इसका वोल्टेज वगैरह की फ्रिक्वेंसी और रेंज के बारे में लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, अब इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ओपन करने के लिए इसमें डुअल डोर का ऑप्शन है, इसमें दो दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों में की लगी हुई है। आइए इसको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो अंदर का मटेरियल है, ये मेटल का बना हुआ है। और इसमें जो गैस यूज हुई है, वो R134A यूज हुई है, जो कि काफी इको फ्रेंडली गैस मानी जाती है और इजिली हर जगह उपलब्ध भी हो जाती है। इसके पार्ट्स भी काफी आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये आपको परचेज करने के लिए एक अच्छा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये आसानी से हर जगह छोटी बड़ी सभी मार्केटों में उपलब्ध है, और इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल होता है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित कोई भी सवाल या सजेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और हम इसी तरह आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।